हेलो नमस्कार, ब्रजमाचार्य में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। डीपीआई में बात की गई तो स्पष्ट कर दिया गया है कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व में कार्यरत थे उनको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, उनके पास डीएड हो बीएड हो नहीं हो, लेकिन उनको हटाया नहीं जाएगा। और अतिथि शिक्षकों का अनुबंध अब 10 महीने रहेगा, रेगुलर 10 महीने का अनुबंध होने के बाद में बीच में किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जाएगा जब तक कोई नियमित शिक्षक नहीं आता। और प्राचार्य अपने मनमानी तरीके से अतिथि शिक्षकों को अब नहीं हटा सकते हैं, उनको लिखित में नोटिस जारी करना होगा और कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा किस कारण से हटा रहा है। अतिथि शिक्षकों को कोई भी हटा नहीं पाएगा जब तक सत्र समाप्त नहीं होता है। ठीक है, और अतिथि शिक्षकों के स्थायी नियुक्ति को लेकर भी बात की जा रही है डीपीआई में, तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। इसमें बोला गया है अतिथि शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों के बदले नहीं बदला जाएगा। ठीक है, जैसे पुराने अतिथि शिक्षक को नए अतिथि शिक्षकों के स्थान पर नहीं रखा जाएगा। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से नई अपडेट पाने के लिए। अब जो हमारा नया निर्देश जारी हो रहे हैं उसमें कई सारे नए नियम बन के आ रहे हैं। सर्वप्रथम उसमें एक आप लोगों के लिए फायदेमंद ये रहेगा कि आपको किसी प्रकार से जो पूर्व से कार्यरत हैं वो बाहर नहीं होंगे। ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। जो साथी हमारे पहले से कार्य कर रहे हैं कि स्कूल में, चाहे वो डीएड बीएड हो चाहे ना हो, वो बाहर नहीं किए जाएंगे यदि वहां पे नियमित शिक्षक नहीं आते तो कोई भी दूसरा। हमने वार्षिक अनुबंध की बात की थी, लेकिन अभी जो खबर निकल के मेरे सामने आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि वार्षिक नहीं, 10 महीने का ही अनुबंध रहेगा। आपकी जिसकी नियुक्ति एक बार स्कूल में हो जाएगी, अगर वहां नियमित शिक्षक भी आते हैं तो अप्रैल तक आपको उस स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। ये दूसरा नियम बन के आने वाला है और उसमें रहेगा। तीसरा जो है उसमें 13 दिन की छुट्टी। यार टेट एग्जाम के लिए कोई वो नहीं है, हम टेट एग्जाम के खिलाफ पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। ये जो टेट वाले आप लोग कर रहे हो, आप लोग करते रहो, मैं टेट पास हूँ, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो टेट पास नहीं है, उनके खिलाफ हम काम नहीं कर सकते। हम किसी भी साथी को अपने, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, हम किसी का साथ नहीं छोड़ सकते। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, बाकी काम करना सरकार का है, सरकार आदेश जारी करेगी। लेकिन हम अगर उनकी बात ना रखी गलत है, हम बात सबकी रख रहे हैं, चाहे टेट पास हो चाहे ना पास हो, चाहे वो डीएड बीएड हो चाहे ना हो, हम सबको लेकर चल रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि किसी को भी नुकसान ना हो। फिर भी तो अभी मैं जो बता रहा था सुन लीजिए, सभी लोगों को वर्षवार अनुभव के अंक दिए जा रहे हैं। अभी जल्दी स्कोर कार्ड में नए अनुभव के अंक जुड़ के आएंगे, लेकिन उसमें टेट का कोई भी नंबर ऐड होके नहीं आएगा, उनके लिए आप बेफिक्र रहिए। तीसरा अगला रूल ये दे रहे हैं कि अगला जो उसमें नियम है कि जो पहले प्राथमिकता उन्हीं की होगी जिनका स्कोर कार्ड में नंबर ज्यादा रहेगा, जो पहले से होता हुआ आया है। तो इसके लिए हमने जो साथी हमारे बाहर हुए, देखिए ये तो आप लोग, मैं कंफर्म पहले कर दूं, अगर कोई बोलता होगा कि आप लोगों से ये मर्ज हो जाएंगे वो मर्ज हो जाएंगे, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई कहीं मर्ज नहीं होगा। जो पद खाली हुए हैं, जहां पे पद खाली है वहां पे आपके स्कोर कार्ड में इसीलिए नंबर जुड़े जा रहे हैं, अनुभव के अंक जुड़े जा रहे हैं कि जिससे आप कहीं भी फॉर्म जमा करो तो आपका एक अलग लेवल का स्कोर दिखे, आप अन्य अभ्यर्थियों से जो नए अभ्यर्थी हैं उनसे आपका अधिक स्कोर रहे, तो पहली प्राथमिकता आपकी हो जाएगी, आपके लिए एक लाभ हो जाएगा जो हमारे साथी बाहर हुए हैं। बाकी ये कोई कहता है कि नहीं सर हम तो बाहर थे, कोई हमको अंदर कर ले, ऐसा नहीं हुआ, इसके लिए भी फिक्र होगी। ये कोई अगर बोल भी रहा तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों का मैं सपोर्ट भी नहीं करता। मैं देख रहा हूँ कई दिनों से ग्रुपों में बहुत फोटोबाजी हो रही है, वीडियो डल रहे हैं, पता नहीं कौन मैडम जा रही है शिक्षा मंत्री के साथ में, इसके साथ में फोटो खिंचवा रही है और डाल रहे हैं, ऐसा होने वाला है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम बन रहे हैं, जो पहले नियम थे, लगभग वही नियम रहेंगे, कुछ उसमें बदलाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे साथी बाहर हुए थे उनको अंदर करने का कार्य कर रहे हैं और जहां भी रिक्त पद होंगे वहां पे आपको पहले प्राथमिकता मिलेगी। जो साथी हमारे डीएड बीएड भले नहीं है, स्कूल में काम कर रहे हैं, वो किसी भी हालत में बाहर नहीं होंगे, इसकी गारंटी हमारी है। कोई भी प्रिंसिपल या डीओ अगर इनको बाहर करता है, उनके लिए भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत भारी तरीके से कार्रवाई होगी। बहुत सारे जिलों में मैंने सुना अभी उमरिया वगैरह में कि जो साथी हमारे डीएड बीएड नहीं है उनको पैनल में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो उन प्रिंसिपलों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। अगर वो पहले से कार्य कर रहे थे और उनका नाम पैनल में अगर ऐड नहीं किया गया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीपीआई ने हमें आश्वासन दिया है। उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी को का नाम भले प्रिंसिपल या हेडमास्टर आपके पैनल में ऐड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उन्होंने पिछले वर्ष काम किया है तो उनको नियुक्त कराना हमारी जिम्मेदारी है, हम नियुक्ति उन्हें जरूर दिलवाएंगे। 448 लोग देख रहे हैं अभी मेरे लाइव में, कम से कम लाइक तो करते चलिए सर, रिकमेंड तो इतने सारे आते हैं लेकिन लाइक कोई भी नहीं करता। सर मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, जो भी हो तो लाइक कर दिया करिए, हमें भी खुशी होती है। अगला जो हमारा सबसे बड़ा वो है कि आप लोग इस असमंजस में है कि ये पैनल क्यों बन रहा है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, जो काम गवर्नमेंट अब करवा रही है, पैनल बनवा रही है, ये काम हमें बहुत पहले उनको करवाना चाहिए था। क्योंकि पैनल बनने से एक काम अच्छा ये हो गया कि आपको पूरे स्कूलों की जो मेरिट रहेगी ओपन रहेगी, किसी कोई भी ये वो नहीं कर पाएगा कि हम इन्हें बाहर क्यों कर रहे हैं, या कोई बाहर करेगा तो उनके ऊपर कार्यवाही भी होना संभव होगा।
अभी जो कार्य व्यवहार के नाम पे बाहर करते हैं, तो कार्य व्यवहार के लिए भी एक अच्छा नियम बनने वाला है, उसमें आपका ये दिया जाएगा कि कार्य व्यवहार आपके खराब कम माने जाएंगे, उसके लिए जो आपका हेडमास्टर है या संतुल प्रचार है उन्हें क्या करना होगा, इसके लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी जल्दी किए जाएंगे। रही बात स्कोर कार्ड में, तो स्कोर कार्ड में आपका अब आपके जो 325 अंक का था उसमें 100 नंबर जो थे रिटायर शिक्षक के वो हट रहे हैं, वो हट जाएंगे, अब केवल आपको आपके 12th ग्रेजुएशन और जो पीजी है उसके मार्क्स मिलेंगे, जो भी नंबर हैं आपके, जैसे मान लीजिए 100 नंबर में से आपके 80 नंबर हैं, 50% है, जो भी परसेंटेज है उसके मार्क्स मिलेंगे, 100 नंबर आपको बीएड के या बीएड के जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसका मिलेगा, और 100 नंबर जो 10 साल से अधिक है 100 नंबर में से अब आप लोगों को अनुभव के अंक दिए जाएंगे, मतलब 325 की जगह पर आप केवल 300 स्कोर होगा, 300 में से आपका जो स्कोर होगा आप उसके अनुसार मेरिट में आएंगे, इस प्रकार की बातें निकल के सामने आ रही है। अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं, ये तो आज बताई गई है हमें बातें सर के द्वारा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा स्कोर कार्ड में ये मालूम पड़ रहा है कि मतलब 325 जो स्कोर था वो हटके अब केवल 300 होने जा रहा है, और 300 में से आपको आउट ऑफ जो भी मिलेंगे उसके अनुसार आपका मेरिट सूची ऑटोमेटिक आपकी जो आपने जो पैनल ऐड किया है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी, उसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि हमने जितने लोगों का किया मोबाइल नंबर डाल रहे हैं अपने आप उसमें ऐड हो रहा है। और इस बार आप लोगों को एक सुविधा और मिलने वाली है, जहां तक बात ये हो रही है, अब प्रिंसिपल और आपको पूरे पद ऑनलाइन दिखेंगे, जुलाई में पद दिखने शुरू हो जाएंगे, जो पद प्रिंसिपल अपने मर्जी से किसी की भी नियुक्ति नहीं कर सकता, जो तब स्कूल ने बुलाया करके नियुक्ति कर ले, किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कोई छुपे नहीं होगी सबकी, अब इसीलिए पैनल अपडेट करवा लिया गया है, जिन स्कूलों में पैनल अभी नहीं बने हैं उन स्कूलों के लिए फॉर्म लेने का नियम आएगा, बहुत जल्द उसके लिए आदेश जारी होंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर वो फॉर्म जमा करवाएं और नया पैनल उसको ऑनलाइन करवाएं। इसके बाद आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन चूज चॉइस फिलिंग का कि आप कहाँ करना चाहते हैं, और अभी ये कन्फर्म नहीं है पर उम्मीद है कि जल्दी इसके लिए नियम बन के आप लोगों के सामने आ जाएंगे और इसके बाद आप लोगों की नियुक्ति होगी। आप लोगों को सबसे बड़ी सुविधा यही हो गई है कि आप लोग अपने अपने से आप लोग सभी स्कूलों की मेरिट सूची देख पाएंगे, आपको जल्दी आपके ऐप में मतलब जीएमएस पोर्टल में बाहर दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन व्यक्ति किस स्कूल में कार्य कर रहा था या कार्य कर रहा है या किसकी कौन मेरिट सूची में पहले आ रहा है, ये सब चीजें देखना अभी कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे। अभी बहुत सारा काम चल रहा है पोर्टल में और इसी कारण से कोई भी कर्मचारी जो ओएसडी वगैरह है जैसे वगैरह है वो आप इससे मिलते नहीं है, सब एमपीडीएससी में बैठे रहते हैं, इस समय पर काफी काम आप लोगों के पोर्टल में चल रहा है और अभी इसको मेन तो काम जो हमारा स्कोर कार्ड है स्कोर कार्ड में ही काम चल रहा है। 30% वालों के लिए हमने अनुरोध किया है कि उन्हें एक मौका दिया जाए उनका बैकग्राउंड चेक करते हुए, जिनको पिछले वर्षों का रिजल्ट चेक करते हुए तो आश्वस्त किया गया है कि हम जल्दी इसके लिए नियम बनाएंगे और देखते हैं क्या हो सकता है। प्रयास हमारा है कि कोई हमारे बाहर ना हो जिनके रिजल्ट 20% से अधिक हैं, जब जिनका रिजल्ट बिल्कुल ही 0 के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर जिनका रिजल्ट पिछला रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वर्तमान सत्र में उनका रिजल्ट खराब हुआ है तो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। अब देखिए नियुक्ति का जो नियम है, सर्वप्रथम आपको पूर्व से कार्यरत है उनको ही मौका मिलेगा, आप लोगों को 13 अवकाश मिल जाएंगे, अवकाश का आपके पेमेंट नहीं कटेगी, जैसे अभी आप लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो आपके मानदेय काट लिए जाते हैं, तो साल में 13 महीने में 1 और साल में 13 के हिसाब से आपको छुट्टियां बीई के नियम बनाए जा रहे हैं, जल्दी ये नियम बन के आ जाएंगे। और दूसरा अब आप लोगों को स्कूल समय से समय तक रहना पड़ेगा, स्कूल के समस्त कार्यों को करना पड़ेगा, अब आप किसी काम के लिए आनाकानी नहीं कर सकते हो, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी अब उतना ही मान्यता दी जाएगी जितना मान्यता अन्य शिक्षकों को मिलता है, जहां तक काफी चेक करने का भी मौका आप लोगों को मिलेगा, जिसके पहले भी मिल रहा था पर अभी तक ये हो रहा था कि किसी को रखेंगे किसी को नहीं, लेकिन अब जहां तक है आप लोगों को काफी चेक करने में भी बुलाया जाएगा, मतलब पूरी तरह से आपके नियम बदलने वाले हैं। और अगर मुख्यमंत्री जी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं तो शायद हमें 12 महीने का कार्यकाल भी मिल सकता है अतिथि विद्वानों की जैसे, इस पर अतिथि विद्वानों को साल में 1 बार 1 हफ्ते के लिए बाहर करते हैं और हर साल नई नियुक्ति होती है, उसी प्रकार आप लोगों को भी मौका मिल सकता है। तो ये सब चीजें आज की कम रही हैं और पैनल में जिसको समस्या आ रही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, सबका काम कंप्लीट हो गया है, जिनको समस्या अभी भी आ रही है वो संपर्क कर सकते हैं, मेरे पीछे नंबर जो दिख रहा है उसमें तुरंत व्हाट्सअप कर देंगे, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों आपका अभी ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है, और किसी बात पर अगर कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ धैर्य जी, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट में तो छुट्टियाँ चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में नहीं हाई कोर्ट में भी छुट्टियाँ चल रही थी, जिनको जानकारी होगा वो जानते हैं कि 5 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था, अब कोर्ट चालू हो गए हैं, इसके बाद में इधर थोड़ा बिजी हो गया था और जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है उस पर आगे कार्य शुरू करूंगा, उसमें केस लग चुका है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे 70 लोगों के नाम जा चुके हैं, 1.5 लाख रुपये वकील को दिया भी जा चुका है और जल्दी उसमें सुनवाई के लिए भी हम उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बजट होता है, एक ज़्यादा पैसे वहाँ लगते हैं, फिर बजट की समस्या आ रही है तो हम छुट्टी थी, कहाँ छुट्टी थी मुझे नहीं पता सर,
अच्छा हाँ, तो जल्दी उस पर कार्य शुरू होगा। मैं परसों जबलपुर निकलूंगा और अपने जो साथी हमारे व्यापम में, एक बात और एक बड़ी खबर यह है कि अगस्त में बर्गदों की परीक्षा होने वाली है। जो साथी हमारे एसटीएससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 60 नंबर से अधिक और जनरल वाले 75 से अधिक पाए हुए हैं, उनके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में केस लगाएंगे कि हमें परीक्षा वर्ग एक वालों को परीक्षा में बैठने का मौका दिया था, उसी प्रकार हमें भी परीक्षा में बैठने का मौका दें। जल्दी इसकी प्रोसेस भी हम शुरू करने वाले हैं और सोमवार को सोमवार ही बुधवार को या गुरुवार को मैं जबलपुर जाऊंगा और इस विषय में मैं वकील से बात करूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली निकलूंगा और सुप्रीम कोर्ट जो भी याचिका है उसके बारे में हम बात करेंगे और आप लोगों को कन्फर्म जानकारी उसके बारे में दे दी जाएगी। उसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि किसी का भी नुकसान होगा या किसी का भी पैसा 1 रुपये कहीं जाएगा। अगर काम नहीं होगा तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हमारे पास ये नहीं है कि हम आपका पैसा ले लें और आपका काम भी ना हो। जितने लोगों ने मुझे पैसे दिए होंगे, जितने लोगों से मैंने कुछ भी लिया होगा, उनका मैंने काम करके दिया है, अन्यथा किसी ने उनके पैसे वापस कर दिए हैं। मेरा नंबर पीछे दिख रहा है कमलेश मार्को जी, चलिए मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। जो भी है आपको जो सवाल पूछने हैं आप पूछ लीजिए। 500 लोग देख रहे हैं पर लाइक करने पता नहीं क्या लगता है यार, पैसे लगते हैं, पता नहीं भगवान जाने क्या लगते हैं।